है गाइस, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू अनदर रिव्यू वीडियो। ये है थर्ड शिफ्ट ऑफ CHSL एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम जस्ट अभी छूटने वाला है। मैं रोड के इस तरफ खड़ा हूँ और गेट उस साइड है कॉलेज का। तो अभी रिव्यू लेते हैं कुछ बच्चों का। आज फोकस करेंगे केवल GS पार्ट पर, क्योंकि GS हर बच्चे को परेशान कर रही है। तो देखते हैं GS में ऐसा क्या आ रहा है जो हर बच्चा परेशान हो रहा है GS को लेके, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा देखना लास्ट तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो हम मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो आप अटेम्प्ट कितने करके आए क्वेश्चन टोटल? मैं फर्स्ट अटेम्प्ट। टोटल अटेम्प्ट कितने कर दिए? मेरा 97 हो गया। 97, काफ़ी अच्छा स्कोर हो गया। मतलब इसका मतलब GS में, आज मैं GS के ऊपर ही वीडियो बनाने आया हूँ बेसिकली, क्योंकि जो मैथ है, रीजनिंग है, वो लगभग सेम आ रही है। लेकिन GS का पार्ट है टफ बता रहे हैं, हर शिफ्ट में टफ बता रहे हैं, क्योंकि ना तो हिस्ट्री से क्वेश्चन डाल रहे, ना ज्योग्राफी से डाल रहे। हिस्ट्री से था क्वेश्चन? नहीं सर, हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन। ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन? ज्योग्राफी से भी नहीं था। पॉलिटी से, संविधान से, आर्टिकल आया था, सिर्फ दो क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड। क्वेश्चन लड़ाई झगड़े का था, अनुच्छेद कौन से आर्टिकल के तहत लड़ाई झगड़ा रोक सकते हैं। अच्छा, लड़ाई झगड़ा। साइंस से कोई क्वेश्चन था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से? नहीं सर, हाँ केमिस्ट्री से था। कौन सा अम्ल खाने के लिए प्रयोग होता है? एसिडिक अम्ल। अच्छा अच्छा। और उसके अलावा करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन थे लगभग? ज्यादातर करंट अफेयर ही था। तो बेसिक था या फिर थोड़ा सा लॉजिकल? सर लॉजिकल ही था, बेसिक कुछ नहीं था। फॉर एग्जांपल क्रिकेट से था कोई? जी क्रिकेट से था। क्या था क्रिकेट से? IPL से था क्या? नहीं सर, IPL से नहीं था। तो और कोई रिलेटेड था? कौन सा अवार्ड कौन से किसके लिए होता है? क्रिकेट में, मतलब स्पोर्ट्स में? जी नहीं। ठीक है, थैंक यू भाई। भाई से पूछते हैं, भाई कितने अटेम्प्ट करके आए हो आप क्वेश्चन? ये हो गए 70 करीब। कितने? 70। 70 के करीब अटेम्प्ट किए, ठीक है जी। मतलब मैथ, रीजनिंग ज़्यादा टफ तो नहीं है, इजी है ना? हाँ ज़्यादा टफ नहीं है। और इंग्लिश? इंग्लिश भी ज़्यादा टफ नहीं है। इंग्लिश भी ठीक है। GS की बात कर लेते हैं, आज GS के लिए वीडियो पर्टिकुलर बन रही है। तो GS में बताओ, GS का लेवल कैसा आ रहा है? आपका नाम क्या है? रोहित कुमार। अटेम्प्ट कितने करके आए टोटल? अटेम्प्ट 70+। तो आज मैं GS के ही ऊपर बात करने आया हूँ। तो GS का बताओ कैसा लेवल आ रहा है, क्या आ रहा है? थोड़ा हाई लेवल है GS। हाई लेवल लग रहा है। हाँ जी। तो ऐसे रीजनिंग में परेशान कर रहा है GS? रीजनिंग ठीक है, फिर भी रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैथ छोड़ो, रीजनिंग छोड़ो, GS में ऐसा बताओ, ऐसा क्या है जो परेशान कर रहा है बच्चों? हिस्ट्री का पार्ट नहीं डाल रहा, नहीं आ रहा, इस साल का ज्यादा पुराना आ रहा है, ऐसा करके हो रहा है जी। 100% है ना? कौन सा अटेम्प्ट है आपका वैसे? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, अटेम्प्ट कितने करे टोटल? मतलब 100 में 82 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 82 क्वेश्चन अटेम्प्ट है। तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का लेवल आ रहा है थोड़ा सा इजी आ रहा है ना? मॉडरेट पेपर आया है, ना तो इजी कह सकते हैं ना ही हार्ड कह सकते हैं, बट रीजनिंग बहुत ईडी आई है। रीजनिंग इससे बेटर तो रीजनिंग मिल नहीं सकती, मैंने किसी एग्जाम में देखी नहीं है। मतलब इजी या फिर इजी? रीजनिंग को पूरी इजी आई। मैथ है, टाइम टेकिंग है? मैथ, मैथ टाइम टेकिंग है, उसको टाइम देना पड़ता है। क्या टाइम, कैसे क्वेश्चन ज्यादा टाइम दे रहे हैं? बट वो उसको स्क्वायर वगैरह वाले टाइम ज्यादा दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, मेंसुरेशन एडवांस मैथ में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, बट सही थी मैथ। ठीक है, मैथ को भी एक साइड में रखते हैं। GS की बात कर लेते हैं। GS में ऐसा क्या आ रहा है भाई? डांस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, डांस से रिलेटेड ज़्यादा। हाँ, डांस से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन किए 60 क्वेश्चन किए। हर बच्चे को परेशान कर दिए GS इस बार। लेकिन बट GS में ज़्यादा मॉडरेटली, ज़्यादा ना तो टफ कह सकते हैं ना ही इसको ज़्यादा ईजी कह सकते हैं। फिर भी एवरेज अटेम्प्ट बच्चों का बहुत कम जा रहा है इस बार, ऐसा क्या आ रहा है GS में? ये तो एक तो मेन सबसे बात है कि टाइम मैनेजमेंट करने की, अपने टाइम शॉर्ट पड़ता है। ज्योग्राफी हुआ मोस्टली, इनमें से डालते थे क्वेश्चन, इस बार नहीं आ रहे हैं मैंने सुना। नहीं वो बात तो है, बट इसमें GS के ही क्वेश्चन, डांस रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए, मैंने ये देखा। अच्छा, और बुक्स और स्पोर्ट्स रिलेटेड भी आए थे? ऑथर आया था? ऑथर भी ऑथर नहीं आया। क्रिकेट से आया था, उसको इसके बुक्स के ऊपर आया था, किसने बुक लिखी थी वो उसके। एक क्वेश्चन तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि एक बुक थी राइटर ऑफ किंग के नाम से बुक थी, वो किसने लिखी थी। अच्छा, और स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन? हाँ स्पोर्ट्स से आया था, वो सचिन तेंदुलकर के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। सचिन तेंदुलकर के ऊपर? और पद्मश्री भूषण अवार्ड से आया था हिस्ट्री में। अच्छा, GS में पद्मश्री से हो गया। और कोई क्वेश्चन? साइंस से कोई क्वेश्चन? साइंस से कोई क्वेश्चन नहीं था मेरे। और आपका इंग्लिश बहुत ईजी आई थी, सोच भी नहीं सकते। क्या यंत्र बजाने वाला? नहीं यंत्र वगैरह कुछ नहीं पूछा। सिंगर, गायक? कोई गायक नहीं, गायक वगैरह भी नहीं पूछा। डांस रिलेटेड बताते रहो, GS में डांस रिलेटेड कम से कम 10-12 क्वेश्चन डांस से उसके ऊपर। चलो भाई ठीक है, थैंक यू। तो ये था गाइस रिव्यू। बच्चे कुछ जल्दी में थे, शाम का टाइम है, घर जाना था सबको, तो इसीलिए इतना ही हो पाया रिव्यू। तो GS का आपको आइडिया लग गया होगा, हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ज्योग्राफी से भी नहीं आ रहे हैं,
ना आपका पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन शायद पॉलिटी से था, भाई ने एक ने बताया था, बाकी केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन था, और आपका डांसेस से क्वेश्चन आ रहे हैं, अवार्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका जो गायक हैं उनको क्या अवार्ड्स मिले हैं उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, सचिन तेंदुलकर को पद्मश्री मिला था उससे क्वेश्चन था, ओलंपिक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर, और जो लोक नृत्य हैं उनसे रिलेटेड जो भी डांसर्स हैं उनको किस क्या अवार्ड्स मिले हैं उनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।